22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है और उसके लिए तमाम लोगों को आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। कुछ खास चुनिंदा लोगों को विशेष तौर पर बुलाया जा रहा है, जिसमें कई उस समय के कार सेवक भी हैं जो वहां पर बुलाए जा रहे हैं। कुछ गणमान्य लोगों को भी बुलाया जा रहा है। हालांकि इसमें देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को बुलाया गया, उन्होंने आमंत्रण पत्र अस्वीकार कर दिया, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए कार सेवा के दौरान 1992 में अपने शरीर को भी क्षति पहुंचाई थी। ऐसे ही भोपाल में अचल सिंह मीणा जी हैं, जो कि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। ये अचल सिंह मीणा जी वो व्यक्ति हैं जो कार सेवा के दिन 1992 में एक दुर्घटना में घायल हुए थे। जब कार सेवा चल रही थी उसी समय ये 1992 में घायल हुए थे और उनका अब आधा शरीर काम नहीं करता है, मगर उनकी इच्छा थी कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो तो वो उसमें जाएं, मगर उनको आमंत्रण नहीं आया। उनसे बात करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सबसे पहले आपके मन में क्या भाव आते हैं? मेरा यही भाव था कि मेरे अगर निमंत्रण मिलता, मुझे वहाँ से जैसे कोई भी रहता, मेरी व्यवस्था होती। और मैंने तो यहाँ तक लगाया है, गुहार लगा रहा हूँ कि मेरे प्रदेश के मनमोहन सिंह यादव जी से भी गुहार लगाई कि मुझे अभी व्यवस्था दी तो मैं दर्शन करने, तो अभी भी मैं जैसे वहाँ भगवान के दर्शन करता। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि समझ लो मेरे क्षेत्र के उस समय जिला संयोजक थे बजरंग दल के, हमारे रामेश्वर से जन्म, वर्तमान में विधायक जी हैं। अब मुझे उमा जी जी सब लोग ही मुझे जानते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि निमंत्रण मिलता है तो मैं पहुँचता किसी हालत में, आज से जो मेरे 30 साल आज मुझे जो लगे हुई ये, तो मैं दर्शन करता यहाँ से। हम लोग का भी कार सेवक भोपाल से गए थे उस समय, मेरे अयोध्या में गिनने से ये शरीर मेरे में थोड़ी लग गई। वही जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से ये पूरी दुर्घटना आपके साथ क्या बदला। हम यहाँ से हम लोग 3 दिसंबर को गए भोपाल से, हमारे जिला संयोजक बजरंग दल के संयोजक थे रामश्री शर्मा, वर्तमान में विधायक है। यहाँ से हम भोपाल स्टेशन पहुँचे, यहाँ से भोपाल से हम पुष्पक रेल में 9:30 बजे या जो रेल आई उसमें बैठ के हम लखनऊ पहुँचे। लखनऊ के बाद हम फैजाबाद हम पहुँचे, हम जो है 4 तारीख को शाम को वहाँ अयोध्या हनुमान गढ़ी में हम लोगों ने विश्राम किया। सुबह 9-10 बजे हम लोगों ने सरयू में स्नान करके राम मंदिर के पास कार्यक्रम रखा गया था, तो वहाँ आडवाणी उमा जी जो है अपने भाषण करा। उन लोगों ने कहा कि आप जो है कल सरयू जी से एक एक मिट्टी जो है मुट्ठी रेत लेके आओगे सरयू जी से। हम जो है जब 6 दिसंबर को फिर स्नान करके हम लोग आए तो स्टेज पे जो बैठे थे नेता लोगों ने भाषण दिए, लेकिन कुछ कार सेवकों ने 1990 में जो गए थे खून की नदी बह गई थी, तो कुछ लोगों को उस बात का गुस्सा था कि हम जो समनान बहमे भी खून गए, इस तरह हम कार सेवक कब तक इस ढांचे के पीछे खून बहाएंगे। इस वजह उन कार सेवकों ने विचार करके, वो कुछ भगवान की माया उन कार सेवकों को बोर हुई कि वो अपने कार सेवक ढांचे की ओर बढ़ गए कार सेवा के लिए, और कुछ ढांचे पे चढ़ गए, कुछ बाहर से दीवार ढांचे का उन्होंने गिराया। उस समय में क्या पीछे से सीता रसोई घर के पास से पीछे पुराना मलमा पड़ा होता था, कुछ हम कार सेवक पीछे से उस ढांचे पे चढ़ गए थे, तो जो दीवार बाहर से फोड़ी गई तो उस ढांचे के साथ हम किसी तरह गिर गए। तो हम जो मेरे जो है चोट ऐसी लगी कि समझ लो मैं 16-17 तारीख को लखनऊ यूपी में होश में आया, और कुछ दिन बाद मेरी वहाँ से जमात करके भोपाल नार के पास आया। इसके बाद मैं अपने उस समय व्यवस्था होने के कारण, अपना इलाज न करवाने के कारण, आज भी परिस्थिति है कि दवा गोली तो आज भी मेरी चलती रही। उस समय से भगवान ने ऐसी लीला बनाई है कि मैं आज भी जो है दवा गोली के द्वारा ही और कुछ भगवान के नाम के द्वारा जीवित हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आज मुझे मेरे देश के प्रधानमंत्री द्वारा बड़ी खुशी की बात है कि आज 22 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। और पहले जब मैं उस समय 92 को गया था, अयोध्या की दशा ये थी कि मैं आपको क्या बताऊं साहब, खंडर जैसा अयोध्या लगता था। आज मैं टीवी के अंदर देखता हूं तो बड़ी प्रसन्नता है कि वहां के योगी मुख्यमंत्री ने पूरी अयोध्या दुल्हन जैसी सजा दी। और जिस समय सरयू घाट भी सही नहीं था, हम कीचड़ में स्नान करके आए थे, और आज मैं अपने टीवी के अंदर देखता हूं तो मुझे अयोध्या ऐसी सुंदरीकरण लगती है और बहुत अच्छा। मेरी इच्छा है कि मुझे अभी 22 तक निमंत्रण नहीं भी दिया गया तो मैं अपने
हिंदू संगठन मेरा भोपाल का इतना कमज़ोर है, एक भोपाल के अंदर के कार सेवक के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है, लेकिन नेता हिंदू संगठन के ऊपर जो नेता नेतागिरी भोपाल में कर रहे, उन्हें सर में आना चाहिए है कि धर्म के नाम पर रोटी कब तक छेकोगे। जो कार सेवक तुम्हारे क्षेत्र में केवल एक ही है, भोपाल क्षेत्र में पूरे एमपी के अंदर ही एक आदमी क्षतिग्रस्त हुआ, उसका जो है आज तक 30 साल हो गया है, मुझे कोई नहीं पानी की तो पानी मुझे देखने भी नहीं आया, तो मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। जब मेरा हिंदू ही संगठन हिंदू ही कमज़ोर है तो मैं उनके खंधे पे थोड़ी बंदूक लेके चलाऊंगा। अच्छा, अभी अयोध्या पूरी आप जैसे बता रहे हैं कि सजाई जा रही है, पूरा सब इतना सब जो कायाकल्प हो चुका है, जो 30 साल पहले आपने देखा था, तो अब वो पूरी तरह अयोध्या बदल गई है, और अब रामलला का मंदिर जिसके लिए आप गए थे कार सेवा करने 30 साल पहले, अब वो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो ऐसी अयोध्या देखने की भी इच्छा कभी करती हूँ? अब ये तो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, क्योंकि 30 साल से मैं अपनी खटिया पे अपने समय देख रहा हूँ, तो आज मैं टीवी के अंदर देखता हूँ, तो मैं ये मन में विचार करता हूँ कि मैं गरीब तबके का आदमी होने के कारण मुझे देश का प्रधानमंत्री भी ध्यान दे, और वहाँ का जो है मेरे योगी जी से भी निवेदन है, मैं अपने भोपाल क्षेत्र के मनमोहन सिंह यादव से भी मैंने गुहार लगाई है, और अपने विधायक जी से भी मैंने गुहार लगाई है कि आप लोग मुझे सहयोग ना करते हुए और मुझे इतना करे कि मेरे परिवार सहित मुझे जो है भगवान के 9-10 बजे हम लोगों ने सरयू में स्नान करके राम मंदिर के पास कार्यक्रम रखा गया था, तो वहाँ आडवाणी उमा जी जो है अपने भाषण करा, उन लोगों ने कहा कि आप जो है कल सरयू जी से एक एक मिट्टी जो है मुट्ठी रेत लेके आओगे सरयू जी से। हम जो है जब 6 दिसंबर को फिर स्नान करके हम लोग आए, तो स्टेज पे जो बैठे थे नेता लोगों ने भाषण दिए, लेकिन कुछ कार सेवकों ने 1990 में जो गए थे खून की नदी बह गई थी, तो कुछ लोगों को उस बात का गुस्सा था कि हम जो 1997 में भी खून गए, इस तरह हम कार सेवक कब तक इस ढांचे के पीछे खून बहाएंगे। इस वजह उन कार सेवकों ने विचार करके और कुछ भगवान की माया उन कार सेवकों को बोर हुई कि वो अपने कार सेवा ढांचे की ओर बढ़ गए कार सेवा के लिए, और कुछ ढांचे पे चढ़ गए, कुछ आर बाहर से दीवार ढांचे का उन्होंने गिराया। उस समय में क्या पीछे से सीता रसोई घर के पास से पीछे पुराना मलमा पड़ा होता था, कुछ हम कार सेवक पीछे से उस ढांचे पे चढ़ गए थे, तो जो दीवार बाहर से फोड़ी गई तो उस ढांचे के साथ हम किसी तरह गिर गए, तो हम जो मेरे जो है चोट ऐसी लगी कि समझ लो मैं 16-17 तारीख को लखनऊ यूपी में होश में आया, और कुछ दिन बाद मेरी वहाँ से जमात करके मैं भोपाल नार के पास आया। इसके बाद मैं अपने उस समय व्यवस्था होने के कारण अपना इलाज न करवाने के कारण आज भी परिस्थिति है कि दवा गोली तो आज भी मेरी चलती रही। उस समय से भगवान ने ऐसी लीला बनाई है कि मैं आज भी जो है दवा गोली के द्वारा ही और कुछ भगवान के नाम के द्वारा जीवित हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आज मुझे मेरे देश के प्रधानमंत्री द्वारा बड़ी खुशी की बात है कि आज 22 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, और पहले जब मैं उस समय 92 को गया था अयोध्या की दशा ये थी कि मैं आपको क्या बताऊं साहब, खंडर जैसा अयोध्या लगता था। आज मैं टीवी के अंदर देखता हूं तो बड़ी प्रसन्नता है कि वहां के योगी मुख्यमंत्री ने पूरी अयोध्या दुल्हन जैसी सजा दी, और जिस समय सरयू घाट भी सही नहीं था, हम कीचड़ में स्नान करके आए थे, और आज मैं अपने टीवी के अंदर देखता हूं तो मुझे अयोध्या ऐसी सुंदरीकरण लगती है और बहुत अच्छा। मेरी इच्छा है कि मुझे अभी 22 तक निमंत्रण नहीं भी दिया गया तो मैं अपने हिंदू संगठन मेरा भोपाल का इतना कमज़ोर है, एक भोपाल के अंदर के कार सेवक के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है, लेकिन नेता हिंदू संगठन के ऊपर जो नेता नेतागिरी भोपाल में कर रहे, उन्हें सर में आना चाहिए है कि धर्म के नाम पर रोटी कब तक छेकोगे। जो कार सेवक तुम्हारे क्षेत्र में केवल एक ही है भोपाल क्षेत्र में पूरे एमपी के अंदर ही एक आदमी क्षतिग्रस्त हुआ, उसका जो है आज तक 30 साल हो गया है, मुझे कोई नहीं पानी की तो पानी मुझे देखने भी नहीं आया, तो मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। जब मेरा हिंदू ही संगठन हिंदू ही कमज़ोर है तो मैं उनके
कंधे पे थोड़ी बंदूक लेके चलाऊंगा। अच्छा, अभी अयोध्या पूरी आप जैसे बता रहे हैं कि सजाई जा रही है, पूरा सब इतना सब जो कायाकल्प हो चुका है, जो 30 साल पहले आपने देखा था, तो अब वो पूरी तरह अयोध्या बदल गई है, और अब रामलला का मंदिर जिसके लिए आप गए थे कार सेवा करने 30 साल पहले, अब वो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो ऐसी अयोध्या देखने की भी इच्छा कभी करती हो? अब ये तो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, क्योंकि 30 साल से मैं अपनी खटिया पे अपने समय देख रहा हूँ, तो आज मैं टीवी के अंदर देखता हूँ, तो मैं ये मन में विचार करता हूँ कि मैं गरीब तबके का आदमी होने के कारण मुझे देश का प्रधानमंत्री भी ध्यान दे, और वहाँ का जो है मेरे योगी जी से भी निवेदन है, मैं अपने भोपाल क्षेत्र के मनमोहन सिंह यादव से भी मैंने गुहार लगाई है, और अपने विधायक जी से भी मैंने गुहार लगाई है कि आप लोग मुझे सहयोग ना करते हुए और मुझे इतना करें कि मेरे परिवार सहित मुझे जो है भगवान के दर्शन के लिए। परिवार वाले भी आपसे कुछ कहते होंगे इस बारे में दर्शन करने के लिए? अब उनका यही कहना है कि आज 30 साल हमने तुम्हारी जो है खटरा पट्टी करी, मेहनत करी, तो हम लोग भी जो है भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। पूरा परिवार, मेरी 5 बच्चियाँ हैं, 1 बच्चा है, तो वो लोग भी मुझसे जो है अभी आए हैं संक्रांत पे, तो वो बोल रहा है कि पापा जी हमको भी कम से कम आज तुमने शरीर ख़राब किया है। मिनकी बेटा मिनकी किससे कहता, गर्भ से होता तो किससे कहता, और कहीं एक्सीडेंट होता किससे कहता, लेकिन ठीक है मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा, सरकार नीवी ले जाएगी तो भगवान की इच्छा होगी, तब मुझे भगवान दर्शन करने तो अवश्य बुलाएंगे, मुझे मन में विश्वास है। लेकिन जो आज राम मंदिर के कारण पूरे देश के अंदर जो BJP शासन कर रही है, उस मंदिर और भगवान के ही कारण जो है ये समय मिला है, तो मेरा इन्हें सहयोग तो ना किया समझ, जैसे उमा जी CM बनी थी वो भी मेरा सहयोग कर सकती थी, शिवराज सिंह भी सहयोग कर सकते थे, सहयोग नहीं किया, ठीक है मेरे बच्चों ने जिस तरह अपने जो जीवन इच्छा करी, लेकिन आज इच्छा पूरी मेरे देश के प्रधानमंत्री द्वारा, और यहाँ मैं इनसे भी गुहार लगा रहा हूँ कि मुझे जो है आप लोग दर्शन की व्यवस्था करोगे तो मैं दुआ तो दूंगा, मैं नहीं दूंगा तो ऊपर वाला तो देख उसकी तो शेष निगाह है, मेरा तो एक बहाना है, वो तो पूरे मेरे देश के जो है 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आत्मा और ताकत वहाँ भगवान राम के लगी हुई थी, हम लोगों का तो भगवान ने खाली मोहरा बनाया, सब ये भगवान का ही कार्य है, और ये हम तो एक खाली मोहरे के रूप में हमने कार्य किया है, लेकिन ये हम इतनी बंदूकों के सामने आदमी जा नहीं सकता था, लेकिन भगवान ने मति और कोमति देने वाला कहते भगवान ही होता भाई साहब। जय श्री राम। तो निश्चित तौर पे अगर कहा जाए तो अचल सिंह जी का कहना है कि उनकी इच्छा है राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और उस राम मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने कितने कष्ट झेले हैं, उनके परिवार ने कितने कष्ट झेले हैं, अब ऐसे में अयोध्या का जो स्वरूप बदला है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ऐसे कार्यक्रम में उनके जाने की बहुत इच्छा है, और उसके लिए उन्होंने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी अपेक्षा की है कि उनको रामलला के दर्शन कराए जाएँ, परिवार सहित दर्शन कराए जाएँ, क्योंकि इस कष्ट में कहीं ना कहीं वो परिवार भी भागीदार रहा है, और इसके लिए वो लगातार केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये उपेक्षा का दर्द उनमें आज तक है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।